चार बार की आईपीएल चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए चिंताएं बढ़ने लगी है। राजस्थान के हाथों अपने ही घर में मिली हार के बाद टीम पहले ही बैकफुट पर है। इस बीच सबसे बड़ी मुश्किल महेंद्र सिंह धोनी को लेकर है, क्योंकि चेन्नई के कप्तान इस वक्त चोटिल है। ऐसे में क्या एमएस धोनी बाकी मैच नहीं खेल पाएंगे? अगर ऐसा होता है तो चेन्नई की कप्तानी कौन करेगा? इस वीडियो में जानते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने राजस्थान के खिलाफ मिली हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि टीम के कई प्लेयर्स चोटिल हैं। कप्तान एमएस धोनी के भी घुटने में चोट है। राजस्थान के खिलाफ जब उन्होंने 32 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली तब भी वह दर्द में थे। ऐसे में आने वाले मैच के लिए वो फिट होंगे या नहीं, इसका इंतजार रहेगा। चेन्नई का अगला मैच 17 अप्रैल को होना है, ऐसे में धोनी को यहाँ कुछ दिन का आराम मिल सकता है। लेकिन अगर धोनी फिट नहीं होते हैं तो सीएसके की कप्तानी कौन करेगा, ये भी एक सवाल बनता है। अगर हम टीम में ऑप्शन देखें तो बेन स्टोक्स सबसे बड़ा नाम है जो टीम की कप्तानी संभाल सकते हैं, क्योंकि रविंद्र जडेजा ने पिछले सीजन में कप्तानी की थी लेकिन काफी विवाद हुआ था। ऐसे में टीम अब नहीं चाहेगी कि ऐसा कुछ विवाद फिर हो। बेन स्टोक्स के अलावा ऑलराउंडर मोइन अली भी टीम की कमान संभालने के लिए तैयार है। अब चेन्नई के फैंस तो यही चाहेंगे कि उनके कप्तान धोनी अगले मैच के लिए फिट हो जाएं और टीम को आगे बढ़ाएं। ध्यान देने वाली बात ये भी है कि 41 साल के धोनी अब रेगुलर क्रिकेट नहीं खेलते हैं और सिर्फ आईपीएल के लिए ही मैदान में उतरते हैं। यही वजह है कि उनकी फिटनेस शुरुआत से ही सवालों के घेरे में थी। हालांकि एमएस धोनी को अपने करियर में सबसे फिट खिलाड़ियों में से एक माना जाता रहा है। यानी अब चेन्नई के फैंस की निगाहें 17 अप्रैल पर टिकी हैं, जहां धोनी की फिटनेस की जानकारी मिलेगी। आईपीएल से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप आज तक एआई के साथ बने रहिए।